वड़कम सस्का नमस्ते आदा बर्जे कैम छो। मैं एमशिक रोज क्रिएशन में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं फिर से आपको जो बैंक फ्रॉड के सीरियल में लाया हूं वापिस, और ये पार्ट थर्ड बैंक फ्रॉड का सीरियल है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था एक बहुत सारे टाइप के मतलब फ्रॉड हो रहे, जैसे कि कोरियर वाला इलेक्ट्रिसिटी के बिल के बारे में। ये मुझे लोग फोन करके बता रहे, मेरे वीडियो से जिसको हेल्प हुआ वो बच गए वो बता रहे। तो मैं पहले जो बच गए उनके बारे में बताता हूँ। एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए, उनको मेरी फ्रेंड है, उनको फोन आया घर पे, वो रोटी बना रही थी कि आपका 4 महीने का बिल बाकी है इलेक्ट्रिसिटी का, तो हम आपका बिल काट रहे, लाइन काट रहे। अब वो डर गई तो बोली मेरा तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल बाकी नहीं है। उसने इलेक्ट्रिसिटी का बिल लाए, उनके साथ वो चेक करने लगे, ये भरा है ये भरा। बोले नहीं 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 भरा है, हमारे ऐप में नहीं दिखा रहा है, आपके ऐप में दिखा रहा है, तो पता नहीं वो गलत ऐप है आपका, पुराना ऐप है, तो आप एक काम कीजिए नया ऐप डाउनलोड कीजिए। डरी हुई इंसान क्या करेगा, औरतों को डरने का काम ज्यादा शुरू किया है इन्होंने। तो उसने बोली ठीक है सर, मैंने नया ऐप डाउनलोड करती हूँ, तो आप बताइए। उसने बताया, उसने नया ऐप डाउनलोड किया। उसके बाद उसको कहा कि ये कीजिए वो कीजिए वो कीजिए वो कीजिए, दो चार चीज बताया उसने किया। बोले हाँ हाँ अब हाँ अब दिख रहा है आपका बिल हमारे ऐप पे किया हुआ है, ऐप पे आप एक काम कीजिए अब 10 रुपए हमारे अकाउंट में डाल दीजिए। जैसे उसने 10 रुपए अकाउंट में डालने बोला, उसे मेरी बात याद आई जो मेरा वीडियो देखी थी, तो उसने कहा नहीं सर मैं अपना अकाउंट में आपके नहीं डालूंगी 10 रुपए। बोले मैडम आपका लाइन काट देंगे। वो हिम्मत करके बोले आप मेरा लाइन काट दीजिए, मुझे कोई बात नहीं, कोई डर नहीं, और फोन रख दियो। थोड़ी देर बाद उसको वापस कॉल आता है कि मैडम देखो आपका अभी यहाँ दिख रहा है कि आपने भर दिया है, तो हम आपका लाइन नहीं काट रहे, और आपको वेरिफिकेशन भी आएगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हम वापस भेज देंगे, आपको प्रिंट आउट सब कि आपका बिल भरा हुआ है, तो आप 10 रुपए डालने की बात है डाल दीजिए। बेवकूफ बनाते, प्यार से बोलते, कभी कभी ये लोग कड़क बोलते हैं, इनकी बातों में मत आना। वो बोली जैसे मैंने उसे एड्रेस दिया था कि मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, तो जाके कंप्लेंट लिखा रही हूँ। इतना बोलना था कि उन्होंने अपना मोबाइल कट किया और इनका मोबाइल हैक किया, स्क्रीन फ्लैश होने लगे, इनके डेटा उड़ गए और बहुत सारी कुछ मैसेजेस भी उड़ गए। इन्होंने अपना जस्ट रेडी हुई वो लेडी और पुलिस स्टेशन गई, जैसे मैंने बताया था पुलिस स्टेशन में साइबर सेल में जाना होता है। साइबर सेल में जाके उन्होंने कंप्लेंट लिखाई, कंप्लेंट लिखा के आके मुझे सोसाइटी में मिली, इतना थैंक्स बोली, इतना थैंक्स बोली, इतनी दुआएं दी। तो ये था इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्रॉड जो नया शुरू किया है। अब मैं आपको बताऊंगा कोरियर फ्रॉड, लेकिन यहाँ मैं वो बेचारी को नहीं बचा सका क्योंकि उसने मेरा वीडियो एक्चुअली बाद में निकला, और ये जो फ्रॉड है वो पहले चुका है। कोरियर फ्रॉड जैसे कोरियर वाले घर पे आते हैं आजकल, जोमेटो टोमेटो, तो मैं नाम नहीं ले रहा किसी कंपनी का, स्विगी, ऐसे मतलब बहुत सारे, तो अब कोरियर है वो तो चलो फूड डिलीवरी करने आते, तो जो जेन्युइन है तो इट्स ओके है, वो हमें चेक करना है पहले। कोरियर वाले अमेजन कंपनी है, बहुत सारी कंपनी है, बराबर चेक कीजिए कौन आ रहा है, आपने ऑर्डर दिया नहीं दिया। अब कोरियर वाले आ गए एक्स वाई जेड कंपनी के कपड़े पहन के, वो लेडी ने दरवाजा खोला, बोला आपका कोरियर है। बोले मैंने तो कोई कोरियर नहीं है। बोले नहीं मैडम आपने कोरियर मंगाई, कोरियर है आपका 4000 रुपये का, मुझे 4000 पे कीजिए और आपका कोरियर लीजिए। बोले साहब मैंने नहीं मंगाया, तो क्यों मेरे दिमाग खराब कर रहे। उसने आर्ग्यूमेंट चालू किया, उसने डराना शुरू किया, कड़क बात करना शुरू किया, तो तू मैं हुई। बोली नहीं है मेरे, अच्छा एक काम कीजिए। बोले कैंसिल कर दो, मेरा नहीं लेके जाओ, कैंसिल करना तुम्हारे बॉस से बात कीजिए। फिर वो क्या करता है बंदा, फोन लगाता है मेरे जैसे इंसान से बात कराता है, मैं कड़क बात करता मैडम को, तो मैडम क्या है प्रॉब्लम, आपका दिखा रहा है कंप्यूटर में, आपने ऑर्डर किया, आपका एड्रेस है, सब कुछ है,
वॉइस रिकॉर्डिंग है यहाँ पे, बहुत सारी चीजें आप चाहिए तो हम भेजते हैं आपको। मतलब बेवकूफ बनाना जो भी तरीका है वो अपना इस्तेमाल करते थे, डराना करना। लास्ट में बेचारी वो लेडी डरी हुई रहती है, उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं भाई मैंने नहीं किया प्लीज कैंसिल कीजिए। देखो मैडम ये टाइम मैं कैंसिल कर रहा हूँ लेकिन आपको नेक्स्ट टाइम मत करना। चलो मैं एक ओटीपी भेजता हूँ आपको, वो ओटीपी को आप स्कैन कीजिए, ठीक आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। अब लेडी डरी हुई है, वो ओटीपी भेजता है, वो आज उसका आदमी स्कैन करता है, वो चला जाता है। आधे घंटे में उसके बैंक अकाउंट में जितने पैसे थे सब खाली होता है, उसे मैसेज आता है। देखिए अभी इतने टाइप के स्कैम हो रहे हैं मुझे पता चल रहा है, और एक मैं रिकॉर्डिंग डाल रहा हूँ इसमें बीच में, मेरे दोस्त का मुझे दो दिन पहले ही आया, उसके कुछ नियर बाय 70,000 रुपए अकाउंट में 2 साल पहले निकल गए कोई कस्टमर के टाइप की, जो अब वो बताएगा मेरे रिकॉर्डिंग के, मैं उसे ऐड कर दे रहा हूँ साथ में तो सुनिएगा। तो बस मेरा ये कोशिश रहेगा, मैं फाइट कर रहा हूँ इस चीज के लिए, मेरे जितना मैं डीप में जा रहा हूँ उतना मुझे पता चल रहा है कि किस टाइप का फ्रॉड हो रहा है, किस टाइप से लोग बेवकूफ बना रहे हैं। मैं आप लोग को बचाने की कोशिश करूंगा, आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरा चैनल सबको सब्सक्राइब करने बोलिए, लाइक करने बोलिए, कमेंट डालिए। आप लोगों को गलत लगता है गलत लिखिए, अच्छा लगता है अच्छा लिखिए, लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैं लड़ूंगा। और मैं ये करप्ट जैसी गंदी चीजें बहुत सारी और हो रही है, मेरे ये वीडियो जो चैनल बनाया मैं कोई एक खास इसके लिए नहीं बनाया, हर तरह के न्यूज है, हर चीज में घुसूंगा और हर चीज का पर्दाफाश करूंगा, चाहे जो होता है होने दीजिए, मैं डरता नहीं, अल्लाह मालिक है, ऊपर वाला है सबका, सबकी दुआएं आपको लग रही, चाहे वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हो, सब मुझे दुआएं दे रहे हैं, थैंक्स बोल रहे, ठीक है। तो अब मेरे फ्रेंड की जो आवाज है उसको मैं आगे क्लब करता हूँ, और आगे जो मोदी जी को मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि ये फ्रॉड तो हो रहा है मेरे साथ, मैं भटक रहा हूँ हर जगह, डिपार्टमेंट में साइबर सेल में गया हूँ, बैंकों में गया हूँ, असिस्टेंट मैनेजर से बात किया, मैनेजर से बात किया, बैंकों की हेड ऑफिस से बात किया हूँ, और RBI साइबर सेल में कंप्लेंट किया हूँ। ये जो भी चीज मैंने किया हूँ मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा, और वहां से क्या हेल्प मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। और मोदी जी को ये बोलूंगा कि भाई सर आपने लाया है, अच्छी बात है, वही मुझे लास्ट एपिसोड बोला था, जिससे हेल्प अब कम हो रही है, हमको फायदा कम हो रहा है नुकसान ज्यादा हो रहा है, और उसका ऑप्शन नहीं सोचा गया है, हमें ये नहीं पता कि हमारा पैसा किसके पास जाके लेना है, आएगा नहीं आएगा, भटक रहा हूं मैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मैं दूसरे गरीब इंसान को और बाकी जो भी मिडिल क्लास है या हाई क्लास क्यों ना हो उनके साथ धोखा होना नहीं दूंगा। और सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे हो आप लोग तो मैं निकालूंगा, या ये जो स्कैम है बैंक फ्रॉड का इसका पर्दाफाश करूंगा। मुझे धमकियां भी आ रही है, मतलब अलग टाइप से मेरे को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये केस मैं ड्रॉप कर दूं, वो भी चीज़ मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा। तो आप लोग मेहरबानी करके सतर्क रहिए, नो स्कैम, अपना ना कोई स्कैन करना नहीं है, ना कोई OTP देना है, ना कोई पिन देना है, कैश में डील कीजिए। जब तक आपको कंफर्म नहीं हो कि आपने ऑर्डर दिया है तो उसको आप क्रेडिट कार्ड से पे करो या कोई किस चीज से पे करो, ऑनलाइन पेमेंट बंद कीजिए अगर वो फ्रॉड है तो, बाकी आपकी मर्जी। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोबिन भाई चलो आपका 5,000 रुपये गया, मेरे साथ भी फ्रॉड हुआ और तकरीबन मेरा 69,727 रुपीज गया है मेरा। मैंने कंप्लेंट किया, FIR किया, सारी चीज़ें किया, लेकिन अभी तक कुछ सुराख नहीं लगा, 2 साल हो चुके। दरअसल ऐसा हुआ था मेरे साथ कि मैंने एक ऑफिस वाले को रेंट भेजा था, उसको मिला नहीं, बोला नहीं मेरे अकाउंट पे नहीं आया, मेरे अकाउंट पे नहीं आया, तो बोला नहीं आया। तो फिर मैंने कस्टमर केयर में कॉल करना था, तो मैंने गूगल से कस्टमर केयर का नंबर निकाला, मैंने थोड़ा बेवकूफ़ी किया और वो नंबर फ्रॉड नंबर था। उसने जैसे ही मैंने कॉल किया, मेरे को 2 मिनट आप लाइन पे बने रहिए, आपका अकाउंट नंबर क्या है, ये मैंने उसको अकाउंट नंबर बता दिया। उसके बाद में उसने वहीं से बैठे बैठे बोला अच्छा ये करो वो करो, अरे भाई मेरे पैसे गायब हो गए। चलो खैर, अच्छा माशाल्लाह आपने जो है उम्मत की खैर खाई के लिए आपने ये वीडियो बनाया, बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहे दिल से सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंक्स अ लॉट।
और ऐसे इतने कमेंट्स आए हैं और ऐसे कमेंट्स भी हैं जिसमें मैं बहुत जज्बाती हो गया, जो लोग मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। उसमें एक मैडम है मुफीदा शेख, उन्होंने तो इतना दुआ किया और इतना अच्छा लिखा है। ऐसे बहुत सारे लोग ने लिखा है लेकिन मैं सबका पढ़ के सुना तो नहीं सकता क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हिंदू है, मुसलमान है, हर कैटेगरी के लोग ने लिखा है। और मैं तो धर्म में बिलीव नहीं करता हूँ, मैं इंसानियत में बिलीव करता हूँ। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इंसानियत होनी चाहिए, समझे? तो बहुत अच्छा लग रहा है, अब मैंने ये मिशन बना लिया है और मैं इसके लिए लड़ूंगा जहाँ तक हो सकता है। तो फोर्थ एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि मैं जो जो डिपार्टमेंट में गया हूँ, तो जहाँ उन लोग ने मेरे से क्या बैंक ने बात की है, क्या साइबर सेल में बातें हुई है, उसके बाद मैं हेड ऑफिस पे बात किया हूँ बैंकों से, फिर RBI साइबर सेल में लिखा हूँ, और लेकिन क्या जवाब आया और क्या चीज़ हुई है, तो वो भी आप लोग को हेल्प करेंगे और कैसे कैसे, तो फोर्थ एपिसोड में बताऊंगा। लेकिन आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग के फ्रेंड लोग को ये सब वीडियो भेजिए और कोशिश कीजिए कि अगर रोज क्रिएशंस उनसे सब्सक्राइब करा दे तो बहुत अच्छा है कि जो वीडियो बनेगा वो डायरेक्ट उनको जाएगा, तो मुझे भी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी और बाकी उन लोग को ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एक चीज़ मैं और चालू करना चाहता हूँ कि आप लोग का इतना प्यार ये देख के अल्लाह ताला ने, मैं बोलता मुझे थोड़ा दिमाग ज़्यादा दिया है और लोगों से, बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ, आप लोग ने देखा होगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि रोज क्रिएशन एट द रेट gmail.com पे आप लोग अपना पर्सनल प्रॉब्लम मुझे लिख के डालिए, कोई भी लीगल मैटर्स है, जैसे पार्टनरशिप के कुछ धोखा दे रहा है, जो धोखे की चीजें हो रही है उसके लिए आप मुझे लिखे डालिए, मैं कोशिश करूंगा आप लोग को एडवाइस देने की। और ये मैं नहीं दूंगा, वो तो अल्लाह ताला देगा, ऊपर वाला देगा। तो बस मैं सबको हेल्प करना चाहता हूँ। तो रोज क्रिएशन एट द रेट gmail.com पे जिसको जो लिखना है लिख के डालिए, आप लोग भी मुझे एडवाइस दे सकते हो, ऐसी बात नहीं है। और कुछ प्रॉब्लम्स आप लोग के हुए, जैसे अभी मेरे दोस्त का हुआ 70,000 का, तो आप लोग मुझे बताइए तो मैं उसको अपने तरीके से कुछ सॉल्यूशन निकाल के और लोगों के सामने दूंगा तो उनको फायदा होगा। जैसे स्कैम इन लोग हर तरीके के कर रहे हैं क्योंकि कोई ध्यान दे रहा नहीं है। इसलिए मैं PM मोदी सर को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई, जैसे एक मोटर बाइक या ऑटो रिक्शा का एक्सीडेंट होता है तो इंश्योरेंस मिलता है उनको, यहाँ मेरा साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है लेकिन हर आदमी हाथ उठा रहा है। तो अब फोर्थ एपिसोड में मैं इस पर ज्यादा बात करेंगे लेकिन अभी भी से मैं पीएम मोदी सर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज कुछ कीजिए, क्योंकि सर ये आपने ही लाया है पेटीएम, जीपे ये पहले नहीं था, तो अगर आया है तो उसका सॉल्यूशन तो होना चाहिए ना। अब मैं यहाँ दर बदर भटकते रहूँ, वो तो मैं एक इंसान हूँ तो जो यहाँ वहाँ जा रहा, बाकी दूसरे का क्या होता होगा, ये तो पुलिस स्टेशन जाने डरते। तो प्लीज, जय हिंद।